नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम प्लान्स इंडिया में। मैं मोहन पोखरियाल आज फिर हाजिर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, और इस बार आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बेहतरीन प्रोडक्ट। बिल्कुल सही समझा आपने, इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये है साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, ब्रांड जर्मनी का है, जाना जाता है लीबेयर के नाम से। तो चलिए जानते हैं अपनी इस वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से। बात की जाए इसकी डिज़ाइन की दोस्तों, तो ये स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर है, और जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है ये प्योर स्टेनलेस स्टील है, स्मार्ट स्टील इसे बोलते हैं। इसके अलावा जो इसका हैंडल है वो एल्युमिनियम का हैंडल है। स्टार रेटिंग की बात की जाए दोस्तों, तो लगभग ये 3.5 स्टार रेटिंग का रेफ्रिजरेटर है, और इसके एनर्जी कंजप्शन की बात की जाए तो पूरे साल भर में ये 310 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो अगर पूरे साल भर के हिसाब से देखा जाए और इसकी लीटर वाइज कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी कम है। अगर मैं बात करूं इसकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन की दोस्तों, तो टोटल ग्रॉस वॉल्यूम इसका 709 है, और अगर देखा जाए एग्जैक्ट कैपेसिटी इसकी 652 लीटर है। टेम्परेचर राइज टाइम 20 आवर्स का दिया गया है इसमें। इसके अलावा 220 से लेकर 240 वोल्ट इसको चाहिए होगा वोल्टेज। फोर्स एयर सिस्टम इसके अंदर आपको मिलेगा, साथ में इंटीरियर लाइट मिलेगी। फ्रूट एंड वेजिटेबल बिन्स आपको दो मिलेंगे इसमें। ग्लास डोर लाइन इंटीरियर मिलेगा आपको इस पे। फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी नो फ्रॉस्ट है इसके अंदर, और डिफ्रॉस्टिंग जो है ऑटोमेटिकली होगी। हाइट की अगर बात की जाए तो 185 सेंटीमीटर है, विड्थ की बात की जाए तो 121 मीटर है, एंड डेप्थ की बात की जाए तो 63 सेंटीमीटर है। मॉडल नेम की बात की जाए दोस्तों, तो इसका मॉडल नेम है SBS EF7242। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका डोर ओपन, और डोर ओपन करके देखते हैं ये कैसा नजर आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा है रेफ्रिजरेटर सेक्शन, और ये जो आप देख रहे हैं ये है पूरा फ्रीजर सेक्शन। रेफ्रिजरेटर सेक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इंच बाय इंच यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है सेल्फ लगाने के लिए, तो काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेस है। आप कहीं पे भी इन सेल्फ को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको ऐसी एडजस्टमेंट बहुत ही कम रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं बॉटल रैक दिया हुआ है, यहाँ पर आप यहाँ पे बॉटल रख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ फिनिशिंग की, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ग्लास दिया हुआ है इट्स कॉल्ड मून कट ग्लास, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मून कट शेप दिया गया है, तो ये मून कट ग्लास है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टफन ग्लास दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी 150 केजी का वेट ये आराम से सस्टेन कर सकता है। तो ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी खूबी है दोस्तों। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं बॉटल रैक है, और अगर मैं इसके प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी हाई ग्रेड का ये प्लास्टिक फील होता है, और आपको इसकी क्वालिटी छूकर ही पता चल जाएगी। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ग्लास यूज़ हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा मटीरियल इस पर यूज़ किया गया है। क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है इस रेफ्रिजरेटर की, और आप इजीली इसको लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितना इजीली इसको निकाला था और कितना इजीली वापस मैंने इसको लगाया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भी आपको इंच बाय इंच यहाँ पर भी एडजस्टमेंट दी गई है, तो आप अपने हिसाब से बॉटल की साइज के अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर नीचे या स्पेस में दे सकते हैं, ताकि आपकी बड़ी से बड़ी बॉटल भी ईजिली इसमें आ सके। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों फ्रीजर सेक्शन की, तो आप देख सकते हैं कितने सारे कंपार्टमेंट इस पे दिए गए हैं, तो आप यहां पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं। इतने सारे कंपार्टमेंट आपको बहुत ही कम रेफ्रिजरेटर के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर आप कॉम्पिटिशन में दूसरे ब्रांड जो साइड बाय साइड देते हैं आप देखेंगे तो काफी स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, तो यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी स्पेस बहुत ज्यादा है। तो आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी खूबी बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही किसी दूसरे ब्रांड में मिले। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे फ्रीजर सेक्शन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर सेक्शन, लीबेयर ब्रांड के अंदर आप इन दोनों सेक्शंस को अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आप सिर्फ फ्रीजर फ्रीजर यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हटा के इस पूरे सेक्शन को अलग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीजर रेफ्रिजरेटर सेक्शन को यूज करना तो आप यहां से इस पूरे कंपार्टमेंट को हटा के इसको अलग कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ कंबाइंड भी हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट भी हो जाते हैं। किसी भी दूसरे ब्रांड के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन दोनों को सेपरेट कर दें या अलग अलग कर दें। आप ये देख रहे हैं ये लाइन,
ये यहाँ से हट जाता है, ये पूरा का पूरा दो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट बन जाता है। इसके अलावा बात करूँ दोस्तों एक और खूबी की, और ये भी आपको शायद ही किसी दूसरे रेफ्रिजरेटर में मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ दो कंपार्टमेंट है, एक है फ्रीजर कंपार्टमेंट, एक है रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। लीबर ब्रांड के अंदर दोनों ही कंपार्टमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेसर यूज होते हैं, यानी इसके लिए अपना एक सेपरेट कंप्रेसर है और इसके लिए अपना सेपरेट कंप्रेसर है। तो इसलिए जब आप दोनों कंपार्टमेंट को अलग कर लेते हैं तो भी दोनों ही कंपार्टमेंट अपनी तरफ से काम कर रहे होते हैं, पूरा का पूरा वर्क करते हैं, बिल्कुल वैसा ही ठंडा करते हैं जैसे के लिए उनको डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपका प्लस डिग्री टेम्परेचर रहेगा हमेशा, और यहाँ पर हमेशा आपके माइनस में टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि ये फ्रीजर सेक्शन है तो यहाँ पर माइनस में ही आपको टेम्परेचर मिलेगा। इसके अलावा एक चीज और दोस्तों, और ये एक तीसरी खूबी है लीबर ब्रांड में, आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रीजर सेक्शन का अपना अलग से डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, आप यहाँ के टेम्परेचर को यहाँ के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे फ्रीजर सेक्शन में यहाँ का अलग से डिजिटल डिस्प्ले है, आप यहाँ के टेम्परेचर को इस कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले होने के साथ साथ आप दोनों को ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये भी आपको किसी दूसरे ब्रांड के अंदर नहीं मिलेगा।